इंश्योरेंस। एक बार दामू नाम का एक व्यक्ति गुस्से में बहुत तेजी से स्कूटर में एक घर के बाहर आकर रुका, फिर घर के अंदर जाकर एक व्यक्ति से मिला। कृष्णा जी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना मुझसे नहीं होगा। लोग ऐसी बातें करते हैं कि क्या बताऊं, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। क्या दामू, मैंने ट्रेनिंग में बताया तो था अनुभव से आदत पड़ जाएगी। मैंने तुमसे भी ज्यादा गालियाँ सुनी हैं, तभी तो एरिया मैनेजर बना हूँ। इंश्योरेंस क्या है बोलो? आदमी जब जिंदा हो तो उसके कोई काम नहीं आता, पर जब वो मरे तो उसके परिवार के काम आने वाले पैसे को ही इंश्योरेंस कहते हैं। ये पॉलिसी बेचने के लिए बहुत टैलेंट की जरूरत है। चलो। यूं दोनों एक जगह पहुँचे। वहाँ कई औरतें पानी के टैंकर से पानी भर रही थी। बुरा ना मानो तो हमारी मदद करेंगे? कहिए, क्या चाहिए आपको? हम इसके लिए लड़की देख रहे हैं। सुना था कि इस गांव की लड़कियां सुंदर होती हैं, पर आपकी शक्ल देखकर मुझे शक हो रहा है। आप जैसे छुछंदर वाले मुंह ना होकर कोई सुंदर लड़की हो तो हमें बताइएगा। क्यों रे कमीने, तेरी सूरत देखिए, तू शादी करेगा वो भी सुंदर लड़की से? कहकर दामू को गाली देने लगी। लगता है लंगूर कपड़े पहनकर आ गया है और हमें छुछंदर मुंह वाले कहते हो। नहीं, आपको क्या समझते हो, तुम चलते फिरते लाश लगते हो, तुम शादी करोगे? डांटने लगी। वो गालियों को ना सह पाकर दामू ने कान बंद कर लिया। गालियां कैसी लगी? बाप रे, कान पक गए, इतनी गालियां तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। शाबाश, इन गालियों के आगे अपने कस्टमर की गालियां फीकी पड़ जाती हैं। जाओ, जाकर खुशी से काम करो। याद रखना, वो चाहे कितनी भी गाली दे, तुम्हें हंसते ही रहना है। जय इंश्योरेंस पॉलिसी आए नमः। अगले दिन फिर दामू उसके घर आया। कृष्णा के पास आकर, सर मुझसे नहीं होगा, आप कुछ भी कहें मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। क्या हुआ, वो केवल गालियाँ देते हैं यही ना? गालियों की तो तुमने आदत डाल ली है ना? गालियाँ नहीं, अब तो मारने भी लगे हैं। उनका मार मुझसे सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दें। बस इतनी सी बात, मार खाने से ही तो पत्थर मूर्ति बनती है। मार खाकर ही तो बच्चों को अच्छे बुरे की समझ होती है। मुझे देखकर सीखो, तुम्हारे परेशानी दूर हो जाएगी। बाद में वे दोनों एक जिम के पास गए। वहाँ बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स एक्सरसाइज कर रहे थे। दादा, ये जिम ज्वाइन करने आया है। ज्वाइन करने से पहले कुछ डाउट्स को दूर करना चाहता है। ये शर्मिला है, इसीलिए मुझसे पूछने को कहा। क्या आप उसे दूर करेंगे? क्या शक है? जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वालों को कोई और काम धंधा नहीं होता है क्या? वो जिम में वेट उठाते हैं और फिर खाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, है ना? सुना है कि शादी करने पर उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली जाती है, और ये भी सुना है कि बॉडी बिल्डरों की अकल नहीं होती है, उनसे अपने पेट भी नहीं खुजाया जाता। एक आखिरी सवाल, ये कुदरती बॉडी है या खा खा कर इसे बनाया है? ये सब सवाल मेरे नहीं, इसके हैं। बस सारे बॉडी बिल्डर ने दामू को खूब पीटा। दामू, मार कैसे लगे? इससे ज्यादा पिटाई तो दुनिया में किसी की भी नहीं हुई होगी। अब बोलो, इस मार के सामने अपने कस्टमर की मार क्या है? अरे मेरे भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कल अगर कहूँ कि एक कस्टमर ने चाकू निकाला तो तुम मुझे चाकू की मार का सैंपल दिखाओगे? अब मुझे छोड़ो, जिंदा रहा तो कोई और काम करके जी लूंगा। कहते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। घी वाला, एक गाँव में राजन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो कई गाय और भैंसों को पाला करता था और रोज उनसे दूध निकाला करता था। फिर दूध से वो स्वच्छ देसी घी बनाता था। और फिर उस घी को 1 लीटर के बोतलों में भरकर उस गांव में ही राजू भाई के दुकान पर वो दे आता था। राजू भाई बहुत ही लालची इंसान था। तराजू का हेर फेर करके वो लोगों को ठगता था। हर महीने राजू भाई राजन को घी के पैसे देता था।
और राजन भी उसी के दुकान पर महीने के सामान खरीदता था। एक दिन राजन अपने पैसे मांगने आया। राजू भाई ने गुस्से में कहा, क्यों भाई राजन, मुझे ही ठगने चले थे? क्या समझ रखा है मुझे? मैंने आपको कब ठगना चाहा? अब क्या बोल रहे हो सेठ जी? तुम कहते हो कि घी पूरा एक लीटर है और मैंने भी आज तक तोला नहीं, पर आज आखिर मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ही ली। अरे क्या हुआ सेठ जी, मुझे जरा समझाइए तो, मैं आपकी तरह इतना चालाक चतुर तो हूं नहीं। अरे भाई तू तो बहुत चालाक है, एक लीटर घी बताकर 900 ml दे रहा है, तोल के दिखाऊं क्या बोतल में कितना है? फिर बोतल दिखाते हुए बोला, एक एक लीटर पर 50 ग्राम, पता नहीं आज तक कितने पैसे खा गया तू, निकाल सारे पैसे निकाल वरना मार पड़ेंगे तेरे को। थोड़ा इज्जत से बात कीजिए सेठ जी, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं तो मेरा घी किसी और को बेचता तक नहीं, वो 900 ml नहीं है, वो लीटर ही है। क्यों भाई आंखें फूट गई तुम्हारी, दिख नहीं रहा तुम्हें बोतल में? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुम्हें सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह आता है। चलो अब भी चलो महाराज के पास। तो चलिए, मैंने कौन सा गलती किया है, मैं क्यों डर? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक लीटर घी है। फिर दोनों मिलकर महाराज के राजसभा आ पहुंचे। राजू भाई ने पूरी घटना महाराज को सुनाई। महाराज बोतल की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा राजन, इसमें तो एक लीटर घी है नहीं, देखते ही पता चल रहा है घी कम है। जी नहीं महाराज, वो एक लीटर ही है, मैंने घी को ठीक से तोलकर ही भरा था। महाराज को गुस्सा आ गया, वो बोले, अरे मूर्ख, तू मुझे ही बताने की कोशिश कर रहा है, ये लीटर कैसे हो सकता है? महाराज मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार मेरा घर जाके आना चाहता हूँ, अनुमति देंगे? महाराज ने हाथ हिलाकर हामी भरी तो वो वहां से निकल पड़ा। और कुछ देर बाद वो एक तेल का शीशी लेकर वहां आ पहुंचा। शीशी उसने महाराज को देते हुए कहा, महाराज पहले मैं जिससे घी नापता था वो खो गया, तब से मैं इस तेल की शीशी में ही घी नापता हूँ। इस तेल और शीशी को मैंने राजू भाई के दुकान से ही खरीदा है, इसे मैंने तराजू पर रखा और दूसरी तरफ उतनी ही घी नाप के मैंने बोतल में भरा, मेरा भरोसा कीजिए महाराज, भगवान की कसम है। महाराज ने दोनों बोतलों को ठीक से जांचा, उनको समझ में आ गया क्या हुआ। क्यों भाई राजू भाई, तू जो तेल बेचेगा वो 950 ग्राम चलेगा, पर तुझे एक लीटर नाप के चाहिए, कितने दिनों से लोगों को ठग रहा है तू? तू बड़ा ठग है और उस बेचारे पे इल्जाम लगा रहा है, उसका सरलता और सच्चाई के वजह से ही तू आज पकड़ा गया। सैनिकों इसकी दुकान बंद करवा दो और इसे कारागार में डाल दो। उन्होंने आज्ञा दे दिया और राजू भाई जेल पहुंच गए। कारपेंटर वाला। सालिग्राम नाम के एक गांव में विजय नाम का एक कारपेंटर रहता था, वो खिड़कियां और दरवाजे को बनाता था। एक दिन एक यजमानी विजय के पास आया और बोला, विजय 15 दिनों में हमारे घर का गृह प्रवेश है, तुम्हें खिड़की दरवाजे और अलमारी बनाकर देना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 दिनों में खिड़की दरवाजे और अलमारी बनाना बहुत मुश्किल है। अभी 2 कामगार हैं और 2 कामगार को लगाना होगा, पर पैसे भी ज्यादा लगेंगे, आपको मंजूर है? अब दिन भर दिन खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, पर क्या करें, काम तो कराना ही होगा। ये लो एडवांस, पर काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, कहकर पैसा ले लिया। सालिग्राम गांव का राजा बहुत बुद्धिशाली था, किसी भी नई चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी करता था, दूसरे देश के व्यापार करने वालों को आकर उनके गांव में निवेश करने के लिए बोलता था। एक दिन स्विस देश का एक व्यापारी राजा के पास आकर, महाराजा प्रणाम, मेरा नाम टोकिया है, मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ, मैं यहाँ व्यापार करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप हमारे जैसे लोगों को यहाँ काफी एनकरेज करते हैं। प्रणाम टोकिया जी, आपने बिल्कुल सही सुना, वैसे आप हमारे देश में क्या व्यापार करना चाहते हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग महाराजा, हम मशीन की सहायता से विंडोज, डोर्स और कपबोर्ड्स 3 दिन में ही बना के देते हैं, और वो भी वो डिजाइन जो आपको पसंद है। क्या 3 दिन में बना कर देते हैं? आपके पास कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम लोग महाराज,
अपना डिजाइन हमें दे दीजिए, हम आपके घर में फिट कर देंगे। सिर्फ इतना ही नाए, अगर आप घर शिफ्ट करते हैं तो हम वो डिजाइन लेके आपके नए घर में फिट कर देंगे। वो बात सुनकर महाराजा बहुत आश्चर्य हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे लोगों को काफी फायदा होगा। मैं आपको व्यापार करने की अनुमति देता हूँ। ऐसा धीरे धीरे दूसरे देशों से आए वाले अपना व्यापार को शुरू किए। बहुत कम ही दिनों में सालिग्राम देशवासियों को कारपेंटर के सामान बहुत सस्ता दाम में मिल रहा था। लेकिन ये बात को लेकर विजय जैसे छोटे कारपेंटर्स बहुत दुखी होते थे। एक दिन विजय घर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा था, तब विजय की पत्नी ने कहा, क्या हुआ, इतना गहरी सोच में क्यों हैं आप? समय बदलता जा रहा है, व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक है, पहले आप अंदर तो आइए। घर के अंदर विजय वसुंधरा का बेटा खेलता हुआ नजर आया। रवि आकर नए खिलौने विजय को बताया। पापा ये देखो मेरे नए खिलौने, क्या आप मेरे साथ खेलोगे क्या पापा? विजय हाँ बोला और अपने बच्चे के साथ खेलने लगा। तब रवि एक खिलौना को लेकर मुंह में लगाया, तब विजय तुरंत वो खिलौनों को रवि के मुंह से निकाल दिया। वसुंधरा ये प्लास्टिक के खिलौने हैं, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हैं। देखो ये मुंह में लगा रहा है, इसे क्यों खरीद के लाए हो? तब वसुंधरा, मार्केट में बस यही खिलौने हैं, वो हर रोज खिलौने खिलौने करके रो रहा है, तो इसलिए मैंने खरीदा। तब वो बात सुनने के बाद विजय को एक तरकीब सूझी। प्लास्टिक खिलौने बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, मैं लकड़ी से खिलौना बनाऊंगा। तुरंत लकड़ी से खिलौना तैयार करना शुरू किया। अगला दिन विजय महाराजा के पास गया। महाराजा हमारे देश में लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, आपको इसके बारे में सोचना होगा। महाराज ये मेरी विनती है, मैं अपने तरफ से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना कर लकड़ी के प्लेट खिलौने और बहुत सारे वस्तुएं बना रहा हूँ। हमारे जैसे छोटे व्यापारियों को अगर आपकी प्रोत्साहन मिले तो बहुत अच्छा होगा महाराज। तब महाराजा, आपने बहुत अच्छा सोचा है विजय, हम आपकी इस सुझाव को कार्यान्वित करेंगे, आप जैसे लोगों की प्रोत्साहन अवश्य करेंगे। तब महाराजा के बात पर सभी लोग प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिए। विजय जो लकड़ियों का खिलौना बनाता था वही खरीदना शुरू किए। उस प्रकार विजय एक तरकीब से उसकी जिंदगी को बदल दिया। बूढ़ी के बाल वाला। मिदिनापुर नाम के गांव में नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था, वो बूढ़ी के बाल बेचकर गुजारा करता था। बूढ़ी के बाल ले लो, मीठे मीठे बूढ़ी के बाल, कहकर साइकिल पर बेचता था। स्कूल के पास आधी छुट्टी के समय पर बूढ़ी के बाल बेचता था, बाकी समय गांव भर घूमता हुआ बूढ़ी के बाल बेचता था। बच्चों के पास पैसे ना होते तो मुफ्त में भी देता था। चाचा चाचा आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल दूंगी, क्या तुम मुझे बूढ़ी के बाल दोगे? जरूर, ये लो, कल ही देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास जब हो तब देना, पर पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छी तरह पढ़कर अच्छे नंबर लाना मत भूलना। वो बच्ची खुश होकर वहाँ से बूढ़ी के बाल लेकर चली गई। घर पर उसकी पत्नी, यूं उधार देते रहोगे तो कैसे चलेगा, घर पर शादी के लायक एक बेटी है, क्या तुम भूल गए? अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे, भगवान ही जानता है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, उनका भी बूढ़ी के बाल खाने का दिल करता होगा ना, पैसे होंगे तो लाकर दे देंगे, चिंता ना करो। रही बात बेटी की शादी की, मैं भी सोच ही रहा हूँ, भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा, यही उम्मीद है। सब कुछ आप करते हो और ऊपर से भगवान पर छोड़ देते हो, आप कभी नहीं सुधरोगे, सब मेरी किस्मत है। एक दिन उस गांव में दूसरे देश से एक व्यापारी रुपए के संदूक के साथ आया। वो नारायण के पास आकर, भैया मुझे बूढ़ी के बाल बहुत पसंद है, हमारे देश में ये नहीं मिलता, मुझे एक देना, कहकर उसने पैसे दिए। नारायण ने उसे एक पकड़ाया, उसे खाकर वो व्यापारी, वाह बहुत बढ़िया है, खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, एक और देना, कहकर उसने एक और बूढ़ी के बाल ले लिया।
उसके बाद वो व्यक्ति संदूक को वहीं पे भूल कर चला गया। शाम को घर लौट रहे नारायण को संदूक दिखाई दिया। उसे लेकर वो व्यापारी को इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर वो संदूक लेकर घर आया और जो बीता सब अपनी पत्नी को बताया। संदूक खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए थे। वाह, क्या किस्मत है, लक्ष्मी जी स्वयं हमें ढूंढते हुए आई है। अब हमारी परेशानियां सब दूर हुई समझो। क्या कह रही हो तुम, ये हमारे पैसे नहीं है। वो पता नहीं कौन है बेचारा, भूल कर चला गया। जो रुपए अपना नहीं है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। ये सही गलत सोचने का समय नहीं है। इतने रुपए तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकते, इससे अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। मेरी बात मानो। नहीं, मैंने कहा ना कि ये रुपए हमारे नहीं है, मेरी बात मानो। इस बात से नाराज होकर पत्नी वहाँ से चली गई। राजा के दरबार में वो व्यापारी, महाराज मैं कारोबार के लिए 10 लाख लेकर आया था, पर वो संदूक कहीं गुम हो गई है। अगर वो रुपए ना मिले तो मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो जाएंगे। कृपा करके मेरा संदूक मुझे दिला दें। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इतना धन जब पास हो तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारे देश के नागरिक बहुत ईमानदार हैं। तुम्हें तुम्हारा धन जरूर मिलेगा, जरा धीरज रखो। सिपाहियों तुरंत राज्य भर में ढिंडोरा पीटो। एक सिपाही, सुनो सुनो सुनो, एक विदेशी व्यापारी का संदूक गुम हो गया है, उसमें 10 लाख रुपए हैं। उसे देने वाले को महाराज अच्छा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। नारायण ने वो ऐलान सुना, वो तुरंत संदूक को लेकर राज दरबार जा पहुंचा। महाराज कल ये मेरे पास आकर बूढ़ी के बाल खाकर संदूक वहीं पे भूल कर चले गए। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा पर कहीं दिखाई नहीं दिए। ये ऐलान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। ये लीजिए महाशय, देख लें कि आपके रुपए पूरे हैं कि नहीं। व्यापारी ने बक्सा खोलकर पैसे देखे। बिल्कुल पूरे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं। ये लें 1 लाख रुपए, ये मेरी तुच्छ भेंट है। नारायण वाकई तुम जैसे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी होती है और साथ साथ गर्व भी। तुमने अपने देश की लाज रख ली। इस इनाम के साथ मैं भी तुम्हें 5 लाख देता हूँ, स्वीकार करो। इस तरह उन रुपए से नारायण ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की।